हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इस लॉकडाउन में सभी अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भुजिया पनीर परांठा। परांठे तो आप सब ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज इस परांठे का न्यू वर्जन लेकर आए हैं, जो कि है पनीर भुजिया परांठा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक बाउल में 150 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से सारे पूरे पनीर को ग्रेट कर लेंगे। साथ ही 1/2 इंच का अदरक लिया है और इसे भी सेम उसी तरह ग्रेट कर लेंगे। 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट आप जितना चाहें कम या ज़्यादा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1/2 स्पून मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है, वो चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया है, अब इसमें कुछ पत्ते मैंने धनिया के डाले हैं और उसको भी मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, जो कि इसको मैंने 2 में डिवाइड किया है। परांठा आपको सबको पता है कि परांठा जो होता है थोड़ा सा मोटा बिलता है, तो एक रोटी को हमने बेल के साइड पे रख लिया है, अब दूसरा बेलेंगे और इस फीलिंग को इसके ऊपर रखेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 1-1 इंच को साइड से छोड़ दिया है और इसके ऊपर भुजिया स्प्रेड की है। आप चाहें तो घर में कोई भी भुजिया हो उसको आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, अब ये जो हमने 1-1 इंच जगह छोड़ी थी, यहाँ पर हम पानी लगाएंगे चारों तरफ। ये देखिए, अच्छे से पानी हमने लगा लिया। अब जो दूसरी हमने रोटी बेली थी वो इसके ऊपर हम ऐसे पेस्ट करेंगे और फॉक की सहायता से मैंने इसे ऐसा डिज़ाइन दिया है चारों तरफ। एक परांठा हमारा बिल के तैयार हो गया है, अब इसे तवे पर हम डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और अपने परांठे को इसके ऊपर डाल देंगे। जब एक तरफ का हल्का हल्का सिक जाएगा तो उसे पलट देंगे। ये देखिए, एक साइड से बिल ये सिक चुका है, अब इस पर भी हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हल्का हल्का प्रेस करके इस तरह के प्रेस करेंगे। एक परांठा हमारा बनकर तैयार है और इसे हम कट करके इस तरह से, आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये देखिए, पनीर अंदर से पूरी तरह बन चुका है। अब दूसरा मैंने जो बेला है इसको मैंने टाको की शेप दी है, इस तरीके से मैंने इसमें भी पानी डाल के इसे पेस्ट किया है। ये देखिए, इसको ऐसे शेप दिया है और डिज़ाइन इस तरीके से। इसे भी हम अपने तवे पे डाल के इसे परांठा बना लेंगे, पर इसकी जो शेप है ये टाको शेप है। एक तरफ से सिक चुका है, अब इसको पलट लेंगे, हल्का हल्का प्रेस करके इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। दूसरा परांठा भी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे नाइफ या कटर से ऐसे बीच से काट लें या ऐसे ही इसे खाएं। ये देखिए, ये देखिए कितना बेहतरीन बना है, और जो भुजिया हमने इसमें डाली है उसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। ऊपर इसमें मक्खन डालिए और इसी तरह से मैंने सारे परांठे अपने बना के तैयार कर लिए। इसे नाश्ते में खाइए या शाम को इवनिंग स्नैक्स में लीजिए, कैसे भी आप खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं जल्दी, तब तक बाय बाय।